वैशाख के महीने को सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस महीने दान पुण्य करने के साथ ही पूजा पाठ करने का भी विशेष महत्व होता है। वैशाख के महीने में कई महत्वपूर्ण धार्मिक कार्य व विशेष तिथियां आती हैं, जिनमें से अक्षय तृतीया एक है, जो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आती है। इस साल अक्षय तृतीया शुक्रवार 14 मई 2021 को मनाई जाएगी। इस दिन स्नान, दान, जप, तप, सादर अनुष्ठान करने पर व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें करने पर आपको अशुभ फल की प्राप्ति होती है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अक्षय तृतीया के दिन क्या करें और क्या ना करें, जिससे कि आपको इसका अशुभ नहीं बल्कि शुभ फल प्राप्त हो। अक्षय तृतीया के दिन क्या करें? नंबर एक, अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ध्यान रहे, पूजा खत्म होने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु को खीर और तुलसी अर्पित करना ना भूलें। आप चाहें तो तुलसी दल को खीर में भी डाल सकते हैं। नंबर दो, अक्षय तृतीया के दिन आप चाहें तो पूजा करने के साथ ही व्रत भी रख सकते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है और माता लक्ष्मी की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करता है, उसके जीवन में कभी भी धन से संबंधित कोई समस्या नहीं आती। नंबर तीन, अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने और उन्हें अपने घर में बुलाने के लिए सुबह अपने घर की अच्छे से साफ सफाई करें और अपने मुख्य द्वार पर रंगोली बनाएं, साथ ही द्वार पर आम या अशोक के पत्तों से बनी तोरण लगाएं। नंबर चार, अक्षय तृतीया के दिन जो लोग दान पुण्य करते हैं उन्हें सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य के फल का कभी क्षय नहीं होता, यानी खत्म नहीं होता। कहते हैं कि इस दिन किया जाने वाला दान जन्मों जन्मों तक आपको शुभ फल देता है। नंबर पांच, अक्षय तृतीया के दिन पितरों की शांति के लिए दान पुण्य करें। हो सके तो इस दिन छाता, कपड़े, चप्पल आदि का दान अवश्य करें। ऐसा करने से आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। नंबर छह, इस दिन जरूरतमंद या गरीब को अनाज दान करने से माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है और आपको अपना विशेष आशीर्वाद देती है, जिस कारण आपके अन्न के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। हो सके तो अक्षय तृतीया के दिन गरीब या जरूरतमंद लोगों को खाना अवश्य खिलाएं। नंबर सात, मान्यताओं की माने तो अक्षय तृतीया के दिन श्री रामचरितमानस और गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपको ऋषि मुनियों और महान संतों के दर्शन करने के बराबर फल मिलता है। नंबर आठ, अक्षय तृतीया के दिन कलश का दान अवश्य करें। ध्यान रहे, ये कलश अनाज, जल या किसी अन्य सामग्री से भरा हो। खाली कलश का दान ना करें। आप चाहें तो इस भरे हुए कलश को किसी मंदिर या किसी गरीब को दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके ऊपर त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश की असीम कृपा होती है। ऐसा करने से आपके नवग्रह भी शांत हो जाते हैं। अक्षय तृतीया के दिन क्या ना करें? नंबर एक, अक्षय तृतीया के दिन उपनयन ना करें। मान्यता है कि इस दिन पहली बार जनेऊ धारण नहीं करना चाहिए, नहीं तो अशुभ फल की प्राप्ति होती है। नंबर दो, इस दिन नया घर खरीदना या गृह प्रवेश अति शुभ माना जाता है, लेकिन घर का निर्माण कार्य शुरू करना अशुभ होता है। नंबर तीन, अक्षय तृतीया के दिन पेड़ पौधे लगाना भी अशुभ माना जाता है। इस दिन किसी भी तरह के पेड़ पौधे से फल, फूल या पत्ते तोड़ना वर्जित होता है, इसलिए ऐसा करने से बचें। नंबर चार, भले ही अक्षय तृतीया के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करने के साथ ही तुलसी की भी पूजा की जाती है, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन तुलसी के पौधे को छूना या उसके पत्तों को तोड़ना अशुभ माना जाता है, इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाने के लिए तुलसी के पत्तों को एक दिन पहले ही तोड़ लें। नंबर पांच, अक्षय तृतीया के दिन किसी की बुराई ना करें और ना ही किसी से लड़ाई झगड़ा करें। हो सके तो किसी को कुछ बुरा भला भी ना कहें, ऐसा करना अशुभ होता है। नंबर छह, अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है, इसलिए यदि आप अपने घर में बड़े बुजुर्गों या माता पिता का अपमान करते हैं या उनसे लड़ाई झगड़ा करते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी नहीं आती।
नंबर 7, अक्षय तृतीया के दिन घर को गंदा ना रखें, नहीं तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको नहीं मिल पाएगा और ना ही माता लक्ष्मी आपके घर में आएंगी, क्योंकि माता लक्ष्मी कभी भी किसी गंदी जगह पर नहीं जाती और ना ही ऐसी जगह पर माता लक्ष्मी का कभी वास होता है। नंबर 8, अक्षय तृतीया के दिन दान किया जाता है, इसलिए यदि कोई व्यक्ति या गरीब व्यक्ति आपसे कोई सहायता मांगता है तो उसे कभी भी खाली हाथ ना भेजें, उसे हमेशा दान दक्षिणा, अन्न, कपड़े या उसकी जरूरत का सामान अवश्य दें।